मुनव्वर राणा साहब 6 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी अध्यक्षता भारत की सरकार ने की थी, वहां पर अफगान की सरकार ने प्रमाण के साथ ये कहा है कि तालिबान के साथ 13 आतंकी संगठन थे जिसमें हफ्तानी ग्रुप था, जिसमें जैश ए मोहम्मद था, जिसमें लश्कर ए तैयबा था, और ज्यादातर जिनका बेस पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान ने 20,000 लड़ाके मुहैया कराए कि तालिबान को लड़ने के लिए वेपन दिए। आप क्या बात करते हैं, पाकिस्तान की परस्ती का तालिबान है ये। लेकिन चित्रा जी, मैं आज पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि जितने जिम्मेदार मुनव्वर राणा तालिबान के पक्ष लेने के लिए है, उतनी भारत की मोदी सरकार भी है। ये एग्रीमेंट हुआ 29 फरवरी 2020 को, जब भारत के विदेश मंत्री मंत्रालय से पूछा गया कि ये जो अमेरिका ने अनुबंध किया है, एक अनुबंध हुआ काबुल में, एक हुआ कतर के दोहा में, आप बताइए इस अनुबंध में लिखा है कि 5,000 आतंकी तालिबान के छोड़े जाएंगे, इस अनुबंध में लिखा है कि सभी देशों के तालिबान की मान्यता दिलाई जाएगी, इस अनुबंध में लिखा है कि यूनाइटेड नेशन से इसकी मान्यता दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी क्या जवाब दिया आपके विदेश मंत्रालय, उस उन्होंने कहा भी नोट से द एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इन अफगानिस्तान इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट द डेमोक्रेटिक पॉलिटी सिविल सोसाइटी हैज वेलकम द अपॉर्चुनिटी एंड होप फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी जनरेटेड बाय दीज एग्रीमेंट। इन अनुबंधों से शांति, तालिबान से आप शांति स्थापित कराना चाह रहे थे। आज भारत के विदेश मंत्री कहें कि आप बताइए आज जो दोहा में कतर में थे कि नहीं थे जब तालिबान वहां मौजूद था। जवाब दीजिए जफरस्तान साहब, उसके बाद बंसल जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। उसके बाद अवसर मत दीजिए, उसके बाद फिर जून में ये लोग मुलाकात करके आए, अल कतानी ने वहां पर ये बयान दिया जो कि पीस प्रोसेस के मीडिएटर थे ऑफिशियल, भारत की सरकार ने कहा उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। ये रशिया में मिले, ये ईरान में जाकर मिले, इब्राहिम रईस जो राष्ट्रपति थे उनसे मिलने गए जब तालिबान से मिले, तालिबान के आगे घुटने तुम टेकते हो और जिम्मेदार समूचे देश को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों मौन साधे हुए प्रधानमंत्री जी बोलिए, आपको बताना पड़ेगा ये दस्तावेजी प्रमाण मौजूद है कि आप तालिबान के समर्थक थे और जब संकेत मिल रहा है कि भविष्य में भी उसका साथ देंगे जो कि देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता, अब इनका इतिहास ही ऐसा बनता जा रहा है कि जब जब देश में एकजुट होने की बात होती है और किसी ऐसे ताकत के सामने खड़ा होना पड़ता है एकजुट होने के साथ, तब वहां पर कांग्रेस अपना सही कलर दिखाती है, अपना असली रंग जो है वो दिखाती है। आज भी इस स्टेटमेंट से पता चल गया कि देश को कभी भी मजबूत नहीं देखना चाहती है, बल्कि देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ ये खड़ी होगी। कोई बात नहीं, आपका आपका ये एक मिनट, अरे मैं बीच में तू तू मैं नहीं कर रहा हूँ, जरा सुन लीजिए, अब मैं आपके आपके आपकी आपकी हैसियत आपको बताते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि देखिए हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूती के साथ पूरी दुनिया में पिछले 7 सालों में रखा, आज देश मजबूत है, पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि आज उभरती हुई ताकत अगर पूरी दुनिया में तो भारत है, भारत की लीडरशिप को दुनिया मानती है, और ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ जब से इंडिपेंडेंस के बाद कि जब दुनिया ने हिंदुस्तान की तरफ देखा हो किसी गाइडेंस के लिए। आज प्रधानमंत्री का ऐसा रुतबा है पूरे दुनिया में जो उनकी तरफ देखते हैं लोग। अब जहाँ इनकी बात है अफगानिस्तान को लेकर मौजूदा तालिबान पर देखिए मैं आपको बहुत संजीदगी से और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अभी सरकार इस वक्त सरकार की प्राथमिकता है कि अपने सारे लोगों को बाहर निकाले। सरकार 1996 में और 2001 के बीच में जो हमने देखा है उसके बेसिस पे दुनिया ने भी देखा और हिंदुस्तान ने भी देखा और हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। चलिए ठीक है।